अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। भाई फजल हक फिशिंग पे आप लोगों के सामने साइंस स्पीड पे आए। ये हमारा भाई लोग आया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है सर? खुदा बख्श भाई, कहाँ से आए हो? भरूच कॉलोनी से आए। ये वाली वो एक बनारस में, एक वो शरा फैसल में, माशाल्लाह आप काफ़ी दूर से इंजॉय के लिए आए। क्या कब से आए हो जी? दो घंटे हो गए। मच्छी लग रही है? अच्छा कचरा ही लग रहा है समंदर में, कचरा ही हुआ है इसका मतलब। ये तो मच्छी नहीं लग रही है, तो अभी कोशिश कर रहे हैं आप? किस चीज़ पे खेल रहे हैं? जबरदस्त, वो तो बड़ा पानी है, बेहतरीन जगह। हाँ यहाँ नहीं लग रहा है ना, दो घंटे हो गए। ये भाई लोग आपके साथ हैं? ये अजीत साहब है हमारा, और ये कुछ भाई लोग आए। बड़ा शिकारी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये बड़ा शिकारी है, लेकिन आज ये भी जो है ना, इसको भी कुछ नहीं लगे। कुछ आपको लग रहा ही नहीं? वो मार रहा है मच्छी? नहीं मार रहा है। देखो यार, तो दुआ है अल्लाह करे आप लोगों को मच्छी लग जाए। हाँ ये भाई कह रहे हैं कि देखो, जब से आए समंदर को साफ ही किया, लेकिन किस चीज़ से? कचरे से भाई, मच्छी से नहीं। बड़ी मेहरबानी सर, अल्लाह खुश रहे। मज़ा लियाओ 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 लियाओ। अस्सलाम वालेकुम, आजाद पर घूमना तब रफार का भाई। ये भाई खेल रहे और इसको, चलो ये तो मिली ना, केकड़ा तो मिली। वैसे भी तो वो भाई कह रहे कि हमने इससे बहुत सारा जो है ना कचरा कचरा निकाला है। क्या बताइए सर, सर बात अलग पर हुआ। अस्सलाम वालेकुम, नाम बताए सर? आसिफ खान। कहाँ से आए हो? इत्तेहाद टाउन से आया। ये शिकारी कितना देर हुआ आपको खेलते हुए? यार मैं तो 10 बजे से आया हूँ। अल्लाह अकबर, दाना एक नहीं निकला? एक भी नहीं निकला? नहीं। यार देखो, दुआ करे आसिफ खान के लिए, सब भाइयों के लिए। देखो शिकार नहीं लग रही है इसको, सिर्फ केकड़ा लगा। ये फिर भी मेरे को खुशकिस्मत लग रहा है, क्योंकि वो बंदा कह रहे हैं ना कचरा निकल रहे। बिल्कुल, ये एक झलक समंदर की। एक इनका भाई भी दिखाता हूँ, ये साथ बैठे। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम तो बताएं। मोहम्मद ताहिर भाई भी बैठे हुए, लगता है ये अभी आराम कर रहे हैं। अब ये है ना, मच्छी नहीं लग रही थी। चलो ठीक है, ये इसके लिए ये केकड़ा निकाल रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे जाते हैं, आगे भी जो है आप लोगों को दिखाते हैं। मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर? मोहम्मद बाबर भाई, कहाँ से आए हो? यूनसाबाद से आए हो, माशाल्लाह। तो आप तो करीब का हो, तो मच्छी लग रही है? अच्छा, मगरिब के बाद रिपोर्ट है, आप यही का हो इसलिए आपसे पूछ रहे। चलो जी भाई, नाम एक बार फिर बोलेगा, सॉरी सर। मोहम्मद बाबर भाई ने हमें बता दिया कि भाई मच्छी अभी नहीं, अभी कितना देर हुआ आए हुए खेल रहे? पूरा दिखाऊँ ना ताकि मज़ा आ जाए। तो एक से डेढ़ घंटा हो गया, यानी अच्छा खासा टाइम हो गया यार, माशाल्लाह। यूनसाबाद का बंदा हो और वो शिकारी ना हो तो ये तो फिर, लेकिन मच्छी नहीं है इसका मतलब ये है, मच्छी नहीं है ना। शुक्रिया। मगरिब के बाद हम जाते हैं, अमीर साहब से मिलते हैं, उनसे भी पूछते हैं, इंशाल्लाह आपका दोस्त है, और फिर इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं। शुक्रिया सर। अच्छा जी, अमीर साहब ने डोरी को लपेट लिया है इसलिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होता है, इसके आगे जाना मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर? जावेद भाई है। जावेद भाई आप कहाँ का हो, कहाँ से आए हो? अच्छा यूनसाबाद का ही हो, फिर तो ये बिल्कुल माशाल्लाह इधर ही के बंदे हैं। देखो, और आपको भी मच्छी नहीं लगी? एक दाना भी नहीं लगी? एक डेढ़ घंटा हो गया है, तकरीबन घंटा डेढ़ हुआ है ना। तो ये देखो, और आप लगा रहे हैं माशाल्लाह, वो चारा स्पेशल चारा है, इसका मतलब ये है कि मैया। तो आप मेरे ख्याल में बड़ा गेम खेल रहे हो जावेद भाई, छोटा मोटा मुझे नहीं लग रहा, छोटा किसी वगैरह का, जैसे हम लोग खुश हो जाते हैं छोटे। हाँ बस, चलो ऑलराउंडर की तरह। चलो बहरहाल, अल्लाह खैर करे। ये जावेद भाई कांटा लगा रहे और मच्छी तो नहीं लग रही है, इसका भी यही बात है कि मगरिब के बाद इंशाल्लाह लगेगा। ये पतराठी पे हम लोग खड़े, यूनसाबाद पे अपना, सॉरी ये तो वो है साइंस स्पीड पे खड़े। तो आप लोगों को दिखाऊँ, देखो इंजॉय हो रहे हैं। रात जो है ना, ये संडे का दिन है, तो सारे लोग आए हुए हैं माशाल्लाह, इंजॉय कर रहे हैं। ये भाई, अच्छा इसमें वज़न लगाते हो? ये तो पतराठी है, हल्का सा पट्टी ना। हाँ पट्टी लगाते हैं, वरना ये फंसेगा फिर। हाँ चलो, बड़ी मेहरबानी सर, अल्लाह खुश रखे, बड़ी मेहरबानी। ये देखे, इसने कांटा लगाया था, ये जो कांटा है ये कट गया है। तो भाई ये पत्थर में ख्वारी होती है, ये ख्वारी होती है इसमें जो है ना, अगर आप खेलते हो तो इसमें छोटा सा वज़न हो, एक कांटा हो,
वो भी तरीके से लगाना पड़ता है ताकि फंसे नहीं, लेकिन फंस जाता है तकरीबन। ये मास्टर आदमी है माशाल्लाह जावेद भाई, लेकिन ये है फिर भी ये फंस गया था और कांटा ज़ाया हो गया, अभी दूसरा लगाएगा। ये बाबर भाई का कांटा भी फंस गया है, अभी देखते हैं कट गया है या सही निकला है। बच गया, कटा तो नहीं। अच्छा, ये देख इसी तरह होता है, फंस जाते हैं तरीके से जो है ना उसको निकालना पड़ता है। चल हो गया, ज़रा दिखाएगा एक मिनट बाबर भाई। ये मच्छी देखो भाई, एक मिनट मैं आ जाता हूँ। ये भाई मच्छी लग गया, आप लोगों को दिखा दूँ कि भाई समंदर में मच्छी नहीं है। नहीं मच्छी है, लेकिन बहुत चूजा टाइप का चूजा टाइप का आ गया है। ये कौन सा मच्छी है बाबर भाई, नाम आता है क्या करो? मोई का पट्टा है, ठीक जी जी। ये देखो बहुत छोटी सी है, ये छोड़ दिया भाई, चली गई, गई गई गुड। चलो इसका ज़िंदगी ख़राब नहीं है क्योंकि खाने लायक नहीं था, इसलिए बाबर भाई ने इसको बड़ा होने के लिए छोड़ दिया कि भाई इंशाल्लाह आइंदा निकाली जाएगी। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है भाई कलीम भाई। कलीम भाई मुशरफ से आए हैं, और इससे पहले भी हमारा और नसीर अपना नसीर भाई था और ये कलीम भाई था, इन लोगों ने रामस मारे थे, याद है कलीम भाई? ज़बरदस्त वो जो गर्मियों का मौसम था, अच्छे अच्छे दाने लगे थे माशाल्लाह। तो ये जो है ना हमारा कलीम भाई है। कलीम भाई अभी आप बैठ गए हो, क्या पोजीशन है, क्या कहना चाहोगे कि चारा नज़र नहीं आ रहा, कोई चारा उछलेगा तो इंशाल्लाह कुन भी ट्राई करते हैं। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, आसरा है आज पक्का। वाइट वाइट कुन लग जाती है यहाँ? पिछले पीर को 6.5 किलो की लगी थी मुझे, एक दाना माशाल्लाह, वो नसीब में था, हमने निकाला। इंशाल्लाह ट्राई मारेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह नसीब में आ जाएगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ है। ये इसका रॉड है, अभी तो बंद है लेकिन ये खोलेगा इंशाल्लाह, अभी सिटिंग हो रही है तो आप लोगों के सामने है इंशाल्लाह। कौन की ट्राई करेंगे भाई, आज वाइट कौन दिखाएंगे आपको। ठीक है, रहिए हमारे साथ, बने रहे वीडियो में। वालेकुम सलाम, ये इसके कांटे वो कांटे लगे हुए थे, इसमें चारा नहीं लगाते, और ये भाई ने बांध लिया इधर ही। ठीक है, ये महारत से ये बावर के लिए, इसमें अगर जितने भी बल ये खाएंगे ना तो इसको बल लगेंगे नहीं। और चलो देखते हैं, अल्लाह खैर करे, मेरे हिसाब में तो ये डोर थोड़ा पता पता लग रहा है क्योंकि इधर कतरे लिए, तो देखते हैं अल्लाह खैर करे। कलीम भाई कभी ये भी ज़ाया हो जाएगा, ज़ाया होने का ख़तरा तो होता है, हो जाता है ना। ये कितने की मिलती है ये? 1200 का। देखो भाई ये बड़ा दिल होना चाहिए इसके लिए पहले, क्योंकि ये पथराठी जगह है, पथराठी में तो 100% मेरे जैसे बंदे से तो एक पलक झपक के ही जो फंस जाएगा। तो ये देखे अब तैयारी हो गई है बिल्कुल, रात का टाइम हो रहे हैं, गरूब हो रहे हैं सूरज, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जनाब? अतीकुर रहमान भाई, कहाँ से आए हो? बाजावड़ से आया है, और इसके साथ छोटा सा मुन्ना सा, क्या नाम है बेटा? नंदी सदे, क्या नाम है? सनाउल्ला। अभी देखो शर्माओ नहीं। ये अमित भाई का मेहमान है। अमित भाई सलाम वालेकुम, समंदर पे मिल गए, मेहमान को लेकर आए हो? मेहमान को लेकर आए, संडे हाँ एंजॉय के लिए। चलो भाई हम लोग गेम भी देखते हैं, और ये समंदर किनारा हमें वैसे भी पसंद होता है, जैसे हमारा दोस्त होता है, जुड़े रहते हैं हमारे साथ शिकार में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे रमीश भाई? माशाल्लाह संडे को फिर आ गए आप, हाँ चलो हाँ संडे को आ जाते हैं, तो अल्लाह करे रमीश भाई जो ना वाइट कॉर्न का ही शिकार करते, अल्लाह करे दाना लग जाए, आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है जी, तैयारी हो रही है। ये आपके पास 2 पड़े 3 पड़े मेरे ख्याल में, ये देखिएगा इसमें से जो आप लगा रहे हो वो लगाइएगा, जो नहीं लगा रहे हो मुझे दे दे। देखिए भाई ये कलर है, इसको तो हम रामपाला ही बोलते हैं, पता नहीं ये भाई इसको क्या बोलते हैं, जीरी बोलते हैं। अच्छा जी, जीरी है, जीरी ये पानी के ऊपर चलता है ना? ठीक है जी, ये कांटे मारा इसका माशाल्लाह बहुत भारी भारी नहीं है वजन वाले, ये तो नीचे जाएगा पानी में, फंसने का ख़तरा भी होता है ना। ये कितने का मिलते हैं?
1500-2000 की। भाई देखो यार, ये भी बड़ा दिल होता है बंदे का जो है ना, ये रिस्क लेना पड़ता है। ये 1500-2000 जो है ना, अगर ये फंस गई ना पदराडी में तो समझ लो ये ज़ाया हो गया, फिर दूसरा लेने पड़ेगी। और ये मेरे भाई के साथ 2-3 पड़े हुए हैं इसी खातर कि खुदा ना खास्ता कोई ज़ाया हो जाए और शिकार हो तो फिर इनका जो है ना गेम ख़राब ना हो जाए। ठीक है, ये इसका रोड है तो बड़ा बेहतरीन रोड है माशाल्लाह। महंगी बहुत है ना ये रोड। कौन सी वाली ज़रा दिखाएगा? अच्छा, ये तो माशाल्लाह बिल्कुल मच्छी जैसी है। और इसमें क्या खासियत है रमीज़ भाई, ये महंगी क्यों है? बाहर की इधर से सब बाहर की होती है, महंगी है। और ये कितने की? 3500 रुपये भाई, 3500। सोच समझ के आना, फिर ये नहीं कहना 3500 कहाँ गया समंदर। ये लीजिए, जज़ाकअल्लाह। ठीक है, तो ये रोड है जो मैंने दिखाया, ये इसका मशीन लगा हुआ है, ये इसमें जो ना धोरी है और ये लपेटते इस तरीके से। ठीक है, और ये भाई का जो ना, ये इसका मशीन है, इसलिए जो तार लगा हुआ है इसको घुमाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर? बिलाल। बिलाल भाई, ये कहाँ से आए हो? ये कोरंगी की तरफ। कोरंगी की तरफ से आया है मेरे भाई, माशाल्लाह बहुत दूर से आया यार। बिलाल भाई ज़रा दिखाइए जी, इसको बोलते हैं लोअर। तो ये छोटा सा है, वो दिखाया आप लोगों को, वो भी लोअर था लेकिन वो इससे बड़ा था। और ये देखिए छोटा सा है, तो इसमें तो चारा नहीं लगता मेरे ख्याल में ना? इसमें चारा नहीं लगता, इसकी अपनी चाल होती है। जब पानी में फेंकते हैं ना तो ये खुद ही मछली की तरह चलता हुआ आता है, और मछली अगर पानी में होती है इसी को पकड़ती है। और ये कौन सा मच्छी लगती है इसे, आपको अंदाज़ा है? कोई भी जो इस जो जिस जो इस साइज की मछली खाती है वो, जिसके मुंह में ये इधर वाइट कौन बहुत लग जाती है, वाइट कौन बहुत लगती है यहाँ। जी जी, वो भी लगती है। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। ऐसा लग रहा है कि कुछ फिट हो गया है, अब अल्लाह करे। ओ हो, मैं समझा वो असल में इधर एक बूटी थी, बूटी। ये बूटे होते हैं दरख्त है, ये समंदर के बूटे होती हैं। तो ये जब लगती है तो ये फिर फंस फंस के आती है, क्योंकि पत्थरों के साथ टच होती है ना, तो ये थोड़ा कट कट के आती है, मैं समझा मच्छी लगी। अच्छा जी, डोरे काफ़ी खेले भाइयों ने, और अभी तक तो कोई दाना नहीं लगा, लेकिन ये है कि पानी इतना बढ़ गया है कि थोड़ा सा पीछे हटना ही पड़ेगा, इसी में बेहतरी है। तो देखिएगा, रमीज़ भाई भी पीछे आ गया है क्योंकि ऐसे ऐसा पानी बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा, ये पानी बढ़ेगा। ये समंदर का एक लुक, ये रमीज़ भाई, साथ में ये कलीम भाई, ये रमीज़ भाई, ये पानी चारों तरफ हम लोग उसे घेर चुके हैं, हम पानी में घेर चुके हैं। हाँ कलीम भाई, पानी बढ़ रहे हैं, बस गेम ख़त्म। काफ़ी पानियों में हम लोग आ गए, काफ़ी पानी में हम आ गए, और ये देखिए आखिर किनारे पे पहुंच ही गए। लेकिन ये देखिए ये भी अभी किनारा स्टार्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पानी मुसलसल नहीं छोड़ रहे हैं कि भाई निकलो। कलीम भाई क्या कहना चाहोगे, बस है या खेल रहे? और बड़ा पानी ऊपर आ गया है। अच्छा, इसलिए चांस कम है क्योंकि पानी बहुत इधर कंधे तक पानी आ रहा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि अभी निकलने में ही बेहतरी है। निकलने में बेहतरी है। चलो जी, बस गेम को यानी आप करता है अभी जी? गेम बंद करता है ना? गेम मैंने तो बंद कर दी, एक दो भाई लगे हुए हैं, देखो अच्छा। उनके नसीब में हुआ था। चलो बहरहाल हम भी जाते हैं, क्योंकि हमने जो है ना रिपोर्ट आजमाया, रिपोर्ट भाइयों को दिखाना था। तो चलो, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह, बड़ी मेहरबानी। तो ये देखिएगा, वो हमारा दोस्त रमीज़ भाई अभी तक खेल रहे हैं। तो ये कोई एक साथी मेरी तरह वीडियो बना रहे, और एक और भी ये डोर वाला बंदा है इसके साथ, ये डोर पे खेल रहे। ठीक है जी, अभी हम निकलेंगे यहाँ से, आप लोगों को दिखाना था और मेरा रिपोर्ट दिखाना था। मेरा काम था रिपोर्ट देखना, आप लोग आए खेले और मच्छी लग जाएं। तो ये है कि अभी तो कोई ख़ातर ख्वार रिपोर्ट नहीं हुई, अभी मैं निकल रहा हूँ। ये चाचा जाला वाला है, जाल वाले के पास जाता हूँ, देखो अगर उसे एक शॉट मिल जाए मछली का।
जाल लगाया था, जाल में मेरे ख्याल में कुछ नहीं आया। सलाम वालेकुम सर, आया कोई दाना वाना? हाँ ये क्या है? और डे ये मैया लगी? नहीं नहीं मैं सिर्फ देख रहा हूँ भाई, ये मैया है भाई, ये मैया ठीक है, ये भी मैया, ये भी मैया, नन्ना मुन्ने की तरह मैया है। ये मच्छी भी दिखाओ, ये कौन सा है, लेडी फिश है? ये हुई ना, गुड गुड गुड, छोटी छोटी मच्छी आई दो, साथ में मैया आया। और ये भाई हमारा ये जाल खेल रहे, जाल पे दिखाते हैं। हाँ मैया चक मारता है, हाँ या अल्लाह खैर यार, लेकिन ये तेरे जितना है ना, अगर बड़ा होता तो खतरा होता। भाई हमारा कह रहे, अच्छा मैया चक लगाते हैं भाई, काटने में जो है ना ये उंगली उंगली काट लेते हैं। जाल में कछुआ है भाई, साथ दे दूं? जाल कर, आपको काटे नहीं यार, ख्याल करो। अच्छा नहीं काट रहे, ये अच्छी बात, ये क्या जबरदस्त, इतना दाना होता मजा आ जाता। ओए होए 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 होए, यार ये ले लादम, ये ला।